the solids or metals which conduct electricity. Are known as conductors. बच्चों इनका conductivity कितना कितना होता है आपको पल्लू पता है? इनका conductivity होता है 10 to the power 8 ohm inverse centimeter inverse. Conductor किसे कहते हैं? The metals which conduct electricity are known as conductors. हर solids जो solid होते हैं, हर solid electric conduct नहीं कर सकते. कौन से solid electricity conduct कर सकते हैं? तो ये हमको अभी हम जानेंगे. Because electricity is nothing but the flow of electron हमको पता है. तो अगर electron किस में flow कर सकता है और capability है, तो वो electricity conduct करेगा. तो फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना. और भी ऐसा देखा है कौन सा सॉलिड है जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इन देयर फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दोज आर द आयनिक कंपाउंड्स. हमने डिस्कस किया था जो आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक में, तो ना. तो ये कंडक्टर जो है मेटल्स को अगर हम कहें, द मेटल्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स. देयर कंडक्टिविटी कितना है? 10^8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना. ये इसका एग्जांपल आपको पता है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा, है ना. सबसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इन मेटल कैटेगरी, ना. जितने मेटल्स हैं सबसे सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये आप याद रखिए.